हेलो, माय साइड देविंदर सिंह सर। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस को बेटा दो तरीके से हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर, क्वांटिटेटिव, और दूसरा बेटा क्वालिटेटिव। तो बेटा मैं आज आपके साथ कहूँगा कि मैं जो डिस्कस करूँगा आज आपके साथ वो क्वालिटेटिव इसके ऊपर डिस्कस करूँगा। और बेटा यदि आप इस वीडियो में यानी कि इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसको जरूर लाइक करिए, और वीडियो को तो लाइक करेंगे ही और चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि हम लोग के हर रोज़ जो वीडियोज आप आते हैं वो हर रोज़ आपको मिल सके। तो चलिए बेटा मैं आपको पहला क्वेश्चन बताता हूँ। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये है बेटा कि आपके पास मैग्नीशियम का एक्सट्रैक्शन करना है, राइट? और मैग्नीशियम का जो एक्सट्रैक्शन आप करना चाहते हैं वो किस तरीके से करें। देखिए बेटा बात सुनो, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ठीक है, और एल्युमिनियम, इनका जब भी आप एक्सट्रैक्शन करेंगे तो उनके एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, आप उनके फ्यूज सॉल्ट्स का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। जैसे मान लो MgCl2 है, तो MgCl2 का यदि मैं सॉल्ट लूँगा यानी कि इसका जो मैं इलेक्ट्रोलिसिस करूँगा, तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस करने का मेरे पास क्या तरीका होगा कि MgCl2 लिया और यहाँ बना, जब ये मोल्टन स्टेट में है तो मैग्नीशियम आयन बना, बिल्कुल सही बात है, और साथ में क्लोराइड बना, राइट? ये कैथोड पे डिस्चार्ज हो जाएगा और ये एनोड पर क्लोरीन लिबरेट हो जाएगी, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस क्वेश्चन को यदि सॉल्व करना है तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, इसका मोल्टन सॉल्ट से। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ये देखिए नॉट लिबरेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बस ए ये जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ ए जरा देखिए कैथोड एंड दिस इज एनोड, ओके, मतलब जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपका एनोड पर और हाइड्रोजन आपकी कैथोड पर, ठीक है। तो यदि मैं H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करता हूँ, H2SO4 का, ठीक है, तो H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस जब हम करेंगे तो इसकी जो कैथोड रिएक्शन है H2SO4 और इसकी जो कैथोड रिएक्शन है और एनोड रिएक्शंस, पहले तो एनोड रिएक्शन की बात करें, एनोड पर बेटा इसमें वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पर वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन बनेगी, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद बेटा हम लोग इसकी ये एनोड हो गया बेटा, क्योंकि अब बच्चे कह रहे हैं सर यहाँ सल्फेट है, क्या ये नहीं हो सकता ऑक्सीडाइज? नहीं बेटा, सल्फेट नहीं हो पाएगा। सल्फेट को ऑक्सीडाइज करने के लिए बहुत ड्रास्टिक करंट यानी कि हाई एम्पियर करंट चाहिएगा, और यहाँ क्योंकि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 6, और मैं आपको और बता दूँ बेटा नाइट्रेट का भी नहीं ऑक्सीडेशन हो पाता, ठीक, और इवन मैं तो आपसे कहूँगा फ्लोराइड भी आसानी से ऑक्सीडाइज ये भी नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ इसमें जब हम लिया तो एनोड पे ऑक्सीजन बनी, और कैथोड पे क्या बनेगा, कैथोड के ऊपर बेटा ये रिएक्शन इसकी कैथोड पर हो जाएगी, ठीक है, ये रिएक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर तो दोनों है, लेकिन और Na2SO4 जो होगा, ठीक है, अब यदि मैं NaOH की बात करूं तो NaOH में क्या होगा, NaOH में बेटा इतना हो सकता है कि आप इसको थोड़ा ऐसे समझने की कोशिश करें कि इसकी एनोड रिएक्शंस जो होगी, बस इतना फर्क आ सकता है कि एनोड पर यहाँ हाइड्रोक्साइड ऑक्सीडाइज होता है, बनेगा यहाँ भी ऑक्सीजन ए, ठीक है, ए बनेगा यहाँ भी ऑक्सीजन, और कैथोड पर क्या होगा, कैथोड क्योंकि एक्व सोल्यूशन यूज कर रहे हो, कुछ मैंशन नहीं है, तो यानी कि यहाँ भी ऐसा ही होगा, यानी कि दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ भी बनेगी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ भी बनेगी, और यहाँ भी ना सोडियम और सल्फेट में, तो यहाँ भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन जिस समय मैं ये यूज करूँगा AgNO3
तो बेटा जिस समय मैंने AgNO3 यूज करूँगा तो मैं एक बात जरूर आपसे कहूँगा कि AgNO3 में कैथोड पर एट कैथोड कैथोड पर सिल्वर डिपॉजिट होगी ए दिस राइट। तो इस तरीके से बेटा हम लोग एक चीज आपके साथ जरूर इसमें कहेंगे कि ये आपका दिस, तो यहां सिल्वर डिपॉजिट हो रही है, तो हम इसमें आंसर जो देंगे वो फोर्थ आंसर आपका सही आंसर होगा राइट। चलिएगा क्वेश्चन नंबर तीन, और क्वेश्चन नंबर तीन में उसने लिखा है बेटा द पीएच डज नॉट चेंज। पीएच जब चेंज, देखो बेटा यहां इस केस में यदि मैं ए इसकी बात करूं AgNO3 की, तो इसमें बेटा एनोड पर वाटर का ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर सिल्वर का डिपोजिशन होगा, यानी कि यहां एच एन बनेंगे, पीएच चेंज होगी। यहां पर बेटा कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट होगा और एनोड पर वाटर का ऑक्सीड, यानी कि एच एन बनेंगे, यहां भी पीएच चेंज होगी। यहां पर कैथोड पर बेटा वाटर का, कैथोड पर वाटर का रिडक्शन और एनोड पर क्लोरीन बनेगी, यहां भी पीएच चेंज होगी। इस केस में बेटा यदि आप देखें तो कैथोड पर जहां वाटर का रिडक्शन होगा ए ये ठीक है, वहीं एनोड के ऊपर वाटर का ऑक्सीडेशन होगा ए ये, यानी कि जितने जितने हाइड्रोक्साइड बनेंगे उतने ही हाइड्रोजन आयन बनेंगे, यानी कि सॉल्यूशन जो आपका हो जाएगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगी। तो हमें आंसर डी आंसर हमें लगाना चाहिए राइट। तो मुझे इसका जो सही आंसर लग रहा है वो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर चार में देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर चार में ये जो आपको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ करेक्ट करूँगा, ये जो दिया हुआ है ये, इसको बेटा आप ऐसे लिखें, जब वाटर का रिडक्शन होता है, सॉरी वाटर का जब ऑक्सीडेशन होता है, वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, तो उस वाटर के ऑक्सीडेशन में ए ठीक है, वाटर के ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन आयन प्लस हाफ ओ टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन ठीक है। तो इस तरीके से वाटर का यहां ऑक्सीडेशन, हाँ ठीक है, वाटर का यहां पर ऑक्सीडेशन ठीक है, तो इसका मतलब तो साफ हुआ ना कि ये वाटर का ऑक्सीडेशन, यानी कि वाटर का एक ये दिया हुआ ठीक है। अच्छा चलिए देखते हैं एनोड पर क्या होगा। देखिए एनोड के ऊपर जब AgNO3 आप यूज करोगे तो नाइट्रेट का तो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, यदि हम बात करें इसका तो ऑक्सीडेशन क्या बेटा नहीं हो पाएगा ठीक है, नाइट्रेट ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, यदि नाइट्रेट ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो फिर वाटर ऑक्सीडाइज होगा, बिल्कुल सही बात है ए ठीक है, तो ये वाटर ऑक्सीडाइज हो गया। दूसरी तरफ बेटा हमारा जो सिल्वर आयन है इसका रिडक्शन हो जाएगा ए ये, सिल्वर आयन यहां पर रिड्यूस हो जाएगा ठीक है। तो आंसर जो होगा वो इसका आंसर होगा दिस इज द करेक्ट आंसर ठीक। अब बेटा अब आप अगले क्वेश्चन में आ जाओ। इसे लिखा ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस एक्वा सॉल्यूशन द पीएच इन द स्पेस नियर वन इलेक्ट्रोड इंक्रीज एंड अदर डिक्रीज, एक पे इंक्रीज दूसरे। बेटा उसके लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से यहां जब हम वेरी डायलूट NaCl यूज करेंगे डायलूट ठीक है, तो उस केस में कैथोड के ऊपर एट कैथोड, कैथोड पर वाटर का रिडक्शन होगा, बिल्कुल सही बात है, और एनोड पर वाटर का ऑक्सीडेशन होगा ठीक है। यहां जब हम इसका रिडक्शन करेंगे तो ये हाइड्रोक्साइड बनेगा, और जब मैं इसका ऑक्सीडेशन करूंगा तो यहाँ हाइड्रोजन आयन बनेगा, यानी कि यहाँ पीएच बढ़ेगी तो यहाँ घटेगी इस केस में ठीक है। तो मुझे लगता है कि हमें इस केस में हमें ये आंसर ही देना चाहिए
ठीक है। अब जैसे बच्चों को क्वेश्चन आता है सर यहाँ देखो बेटा जब कंसनट्रेट NaCl होता है तो उस समय एनोड पे रिएक्शन यहाँ पर जो है कंसनट्रेट में वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ भी बेटा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होगा ठीक, और यहाँ पर कॉपर का रिडक्शन होगा ठीक। यानी कि एक तरफ यहाँ वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, वाटर का ऑक्सीडेशन और क्लोरीन का रिडक्शन ठीक। तो यानी कि दोनों सेल में एक सेल पे पीएच चेंज हो रही है एक पे नहीं, और यहाँ ए ऑप्शन में दोनों में ही पीएच चेंज हो रही है और वही वो पूछ रहा है आपसे, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब आपने इस क्वेश्चन की बात करनी है, इसके अंदर एक्चुअली में As2S3 है ठीक। अब As2S3 जो आपका इलेक्ट्रोड है ठीक, इसमें इसकी जो नेचर है एक्चुअली में क्या होता है, इसके ऊपर सल्फाइड का एड्सॉर्प्शन हो जाता है और सल्फाइड का एड्सॉर्प्शन होकर एक निगेटिव सोल बन जाता है। अब जब ये निगेटिव सोल बन गया ठीक है, अब ये बना आपका निगेटिव सोल ठीक है, तो अब ये निगेटिव सोल में जो सल्फाइड है ठीक है, ये एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज हो जाएगा ठीक है। तो यदि एनोड पे ऑक्सीडाइज होता है तो यानी कि सल्फर जो बनेगा वो एनोड पे बनेगा, तो इसका मतलब ये हुआ ये आंसर तो नहीं हो सकता ठीक है। अच्छा, और दूसरी तरफ क्या होगा, एनोड पे जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो कैथोड पे यहाँ वाटर का रिडक्शन हो रहा होगा, तो कैथोड पे हाइड्रोजन जो होगी, कैथोड पे जो हाइड्रोजन होगी वो लिबरेट होगी राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसका आंसर क्या देना चाहिए। तो यदि मैं इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करके इसकी बात कर रहा हूँ तो मुझे इसका लगता है कि हमें इस केस में आंसर जो देना चाहिए वो डी इज दी करेक्ट आंसर राइट। ये डी इसका सही है क्योंकि हाइड्रोजन ही यहाँ लिबरेट होगी। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें लिखा है इलेक्ट्रोलिसिस आप कर रहे हैं किसका, NaCl का, और समटाइम pH ऑफ सॉल्यूशन विल बिकम 10। यदि pH 10 हो रहा है तो ये बात तो समझ में आती है, pH 10 का मतलब सॉल्यूशन बेसिक हो रहा है, बेसिक का मतलब वाटर का रिडक्शन हो रहा होगा तभी बेसिक बन सकता है, अदरवाइज तो बेसिक का कोई मतलब नहीं बनता ठीक है। OH निगेटिव ठीक है, प्लस हाफ ए ये H2 ठीक है। तो इसका मतलब तो ये हुआ, इनकरेक्ट पूछा है, कैथोड पर हाइड्रोजन बनेगी, बिल्कुल बनेगी, ये तो सही बात है ठीक है। चलिए उसके बाद मोल ऑफ O2 का मोल ऑफ O2 डिपॉजिट, देखो बेटा एक बात सुनिए, जिस समय यहाँ कैथोड पे उसने लिखा है इट इज ऑब्जर्व दैट pH ऑफ द सॉल्यूशन विल बिकम 10, तो ये बात तो पक्की है कि यहाँ कुल, तो दूसरे इलेक्ट्रोड्स पे विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेटली इनकरेक्ट, जो बिल्कुल सही तौर पे इनकरेक्ट होगा ही, उसके बारे में हम लोग क्या सोच सकते हैं। चलिए मोल ऑफ O2 डिपॉजिट विल बी हाफ दी, देखो बेटा एक चीज़ तो कंफर्म हो रही है, वो कंफर्म क्या है, कंफर्म ये हो रही है कि आफ्टर सम टाइम द pH ऑफ द सॉल्यूशन विल बिकम 10। यदि pH 10 हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस के बाद, तो इसका मतलब तो साफ ये समझ में तो आ रहा है कि हाइड्रोक्साइड जो होता है या तो ये ज़्यादा बन रहा है, ज़्यादा हाइड्रोक्साइड बन रहा है, अदरवाइज तो इसके अंदर क्या हो रहा है, मोल ऑफ O2 डिपॉजिट। अच्छा, तो ऐसा सोचते हैं कि मोल ऑफ O2 डिपॉजिट विल बी द हाफ ऑफ द H2 ठीक है। तो इसमें यदि हम ये मान लें, चलो हम यही मान लेते हैं कि वाटर का, तो एक्चुअली में क्या है कि वाटर का ही ऑक्सीडेशन हो गया, चलो ये भी मान लिया जाता है, तो बेटा उस केस में भी क्या होता है, H2 बनता है और हाफ O2 बनता है। यदि इसके n मोल बनते हैं तो इसके n/2 मोल बनते हैं, मोल ऑफ O2 डिपॉजिट विल बी हाफ ऑफ दी ठीक है। तो कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन, ये बात भी सही है, कैथोड पर हाइड्रोजन ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनोड के ऊपर क्लोरीन, यदि वो कंसंट्रेटेड है बेटा, क्योंकि यहाँ pH
पीएच बढ़ रहा है तो यानी कि ये बात तो पक्की है बेटा कि ये तो नहीं हो रहा होगा, तो इसने बना इनकरेक्ट। इनकरेक्ट का मतलब है क्लोरीन बनेगी बेटा इसमें, बनेगी तो क्योंकि जब हम ये बात सोच रहे हैं कि सिर्फ ये रिएक्शन है तो एनोड पर बेटा ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा, तो एनोड पर क्या हो रहा होगा, एनोड पर ये रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब है ये रिएक्शन सही है, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि ऑक्सीजन बनती ही नहीं, तो मैं सोचूं कैसे, और ये सही है, तो इसका आंसर ये लगाइएगा। भी क्वेश्चन नेक्स्ट इसमें लिखा है बेटा कि अब आपने कोलाइडल, देखो पहले तो आप ये समझो कि जो आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है ये इसके ऊपर बेटा फेरिक आयन एडजॉर्ब हो जाता है जिसकी वजह से पॉजिटिव हो जाता है। अब ये क्या करेगा बेटा, ये कैथोड पे जाके डिपॉजिट होगा, ठीक है, और कैथोड पे जाके यदि ये डिपॉजिट हुआ तो कैथोड होता है कौन सा, तो कैथोड जो होगा वो होगा निगेटिव प्लेट, तो निगेटिव प्लेट के ऊपर आपका प्रेसिपिटेट जो है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाना चाहिए, वहीं पर इसका प्रेसिपिटेशन होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हम लोग एक छोटा सा एक क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, यदि मुझे लगता है कि आप लोगों को ये ठीक से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आपके पास है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज इलेक्ट्रोलाइट एंड प्रोडक्ट इलेक्ट्रोलिसिस एक्वा सॉल्यूशन यूजिंग बोथ इनर्ट इलेक्ट्रोड। देखो किस केस में ये दोनों ऐसा, देखो इस केस में नहीं हो सकता, इस केस में नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ बिल्कुल डिफरेंट है, मैग्नीशियम एक्वस मीडियम में मैग्नीशियम का रिडक्शन नहीं होगा, मैग्नीशियम का रिडक्शन केवल मोल्टन स्टेट में होगा, सोडियम में भी ऐसे ही आ गया, अच्छा पोटेशियम आयोडाइड में, लेकिन कॉपर क्लोराइड की यदि मैं बात करूँ ना बेटा, यदि हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो कंसंट्रेट मानना पड़ेगा, तो आपका ये क्लोरीन बनेगा और इधर कॉपर, ठीक है। इसके बाद यदि हम इसका मोल्टन सॉल्ट ले लें, ठीक है, यदि हम इसका मोल्टन, ये तो हमने एक्वस केस में, ठीक है, मोल्टन सॉल्ट यदि हम लें तो मोल्टन सॉल्ट में हमारे पास आता है, ठीक है, मोल्टन सॉल्ट में तो ये आ गया बेटा, ठीक है, और यदि एक्वस केस लें तब भी यही सेम सिनेरियो आपका रिपीट होगा, तब भी वाट कॉपर का रिडक्शन होगा और क्लोराइड का ही ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आंसर जो होना चाहिए वो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब जैसे आप अगला क्वेश्चन है, उसने लिखा है इनकरेक्ट, AgNO3 का यदि मैं इलेक्ट्रोलिसिस करूँ तो एनोड पर ऑक्सीजन बनना तय है, जो बिल्कुल सही है, और यदि सल्फ्यूरिक एसिड का हम लें तो इसमें हाइड्रोजन बनता है कैथोड पर, एनोड पे ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, देखिए जिस समय हम NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस लेते हैं तो कैथोड के ऊपर वाटर का रिडक्शन होगा, कैथोड पर वाटर का रिडक्शन होगा और एनोड पर क्लोराइड ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो स्टेटमेंट आपने लिखा है ये आपका सही है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस मोल्टन क्यूएच, यदि हम मोल्टन क्यूएच लेते हैं तो कैथोड के ऊपर पोटेशियम डिपॉजिट होगा, यानी कि ये मैं बात करूं तो पोटेशियम का डिपोजिशन होगा, तो ये इसका, ठीक है, पोटेशियम मिलेगा ना कि हाइड्रोजन, तो ये स्टेटमेंट इसका गलत है, तो इसलिए आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो उसमें लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डायलूट एनोड। देखिए बेटा इसके अंदर बेसिकली क्या है, इसके अंदर कैथोड पर वाटर का रिडक्शन होगा और एनोड पर वाटर का ऑक्सीडेशन, कैथोड पर जहां हाइड्रोजन बनेगी एनोड पर वहीं ऑक्सीजन बनेगी, सोडियम का डिपोजिशन तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत है, हाइड्रोजन एनोड पर कभी नहीं बनेगा, कैथोड पर बनेगा, भी गलत है, और H2O8 बेटा तब बनता है यदि ये हम यहाँ पर हाई चार्ज डेंसिटी इस्तेमाल करते हैं, तो ऑक्सीजन इज एनोड, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसके बाद अगला स्टेप इसने लिखा है सोडियम सल्फेट, बेटा यदि हम सोडियम सल्फेट की बात कर रहे हैं तो सोडियम सल्फेट में कैथोड के ऊपर आपका वाटर का रिडक्शन होगा
और एनोड पर वाटर का ऑक्सीडेशन, यहाँ हाइड्रोजन बनेगी कैथोड पर, एनोड पर ऑक्सीजन बनेगी। तो इसका आंसर जो होगा कैथोड एनोड, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक्वस मीडियम में कभी सोडियम रिड्यूस नहीं होता और सल्फेट तो आसानी से ऑक्सीडाइज होता ही नहीं है। इसके बाद बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट विल प्रोड्यूस ऑक्सीजन एट एनोड ड्यूरिंग दिस, जिस समय मैं डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करूंगा तो कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है, ये और एनोड पर आपका ऑक्सीजन बनेगा डायलूट यदि मैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे यहां फर्स्ट ऑप्शन में क्या होगा कि ऑक्सीडेशन किसका होगा, कॉपर का। ये फर्स्ट सेक्शन में थोड़ा सा इसको गलत कर गया, फर्स्ट में डायलूट सॉल्यूशन ये कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर और हाइड्रोजन आयन रिड्यूस होगा कैथोड पर, ठीक। तो उसने पूछा है कि प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन यहां तो नहीं हो रहा। उसके बाद डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड इनर्ट, हाँ यहां इस केस में होगा ऑक्सीजन फ्यूज्ड। तो अब आपके पास है बेटा कि फ्यूज्ड NaOH, यदि हम फ्यूज्ड NaOH की बात करें तो फ्यूज्ड NaOH की यदि हम बात करते हैं तो इसमें तो बेटा ऑक्सीजन यहां भी बनेगा क्योंकि उस समय OH आयन ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। और डाइल्यूट NaCl का इस्तेमाल करें तो बेटा एनोड यहां भी आपका बनेगा। तो आंसर इज A, B, C, D इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इन तीनों ही केसेस में, ठीक है। और यदि यहाँ पर बेटा ये डायलूट जगह कंसेंट्रेट होता तो एनोड पर क्लोरीन बनता। चलिए अब है नेक्स्ट डायलूट सॉल्यूशन ऑफ HCl, ठीक है। यदि आपने डायलूट सॉल्यूशन HCl लिया है तो इस केस में एनोड रिएक्शन आपकी वाटर का ऑक्सीडेशन होगा और वाटर का ही रिडक्शन होगा, राइट। और यदि डायलूट सॉल्यूशन हम NaCl की बात करते हैं, डायलूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो NaCl में हमारे पास क्या होगा, कैथोड पर वाटर का रिडक्शन और एनोड पर ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर इसका जो आंसर होगा एक आंसर तो इसका हो जाएगा P, ठीक है, और एक आंसर इसका हो जाएगा क्यू। इसमें यदि हम करते हैं डायलूट NaCl, यहाँ भी एक पी और एक क्यू, कंसंट्रेट में एक जगह क्लोरीन बनेगा और एक जगह हाइड्रोजन, यानी कि क्यू और आर। और AgNO3 का लेते हैं तो कैथोड पर Ag और एनोड पर ऑक्सीजन, एक तो ऑक्सीजन एनोड पर बनेगी और Ag आपकी कैथोड पर डिपॉजिट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, डायलूट सल्फ्यूरिक इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि जब हम डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं तो उसमें बेटा एक बात सुनिए, वाटर का उस समय ऑक्सीडेशन होता है। तो यदि वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो एनोड पर आपकी ऑक्सीजन बनेगी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16, एट ए कैटायन हैविंग हाई रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका हाई रिडक्शन पोटेंशियल होता है बेटा वो कैथोड पे जल्दी रिड्यूस होता है, उसके अंदर रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तो यानी कि आपका इफ रिडक्शन पोटेंशियल हाई, रिड्यूस टेंडेंसी विल हाई, राइट। क्वेश्चन नंबर 17, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइट एक्वा सॉल्यूशन CSO4 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, एनोड पर बेटा इसमें एनोड पर क्या होगा, वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, और ये ऑक्सीजन बनेगा, और कैथोड पर आपका जो कॉपर है वो कॉपर में तब्दील हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये बेसिक क्वेश्चन थे जिनके मैंने सॉल्यूशंस आपको दिए, और ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन थे। तो यदि आप चाहते हैं कि इससे और बेहतर आपको और क्वेश्चंस करने, तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। तो अगली वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमारे जो ये सब्सटेंस कैथोड और एनोड पर बने हैं, इनकी अमाउंट कितनी कितनी होगी, यानी कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा, अगले टर्न पे फिर मिलते हैं आपको, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस।